मैं जब सोचती हूँ लोकतंत्र के बारे में तो मुझे याद आता है कि जो ब्रिटिशों की जंजीर से हमने खुला करने का प्रयास जो कांग्रेस के नेतृत्व में किया था, हमारे नेताओं ने, चाहे वो गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उसका कारण ही यही था कि लोकतंत्र इस देश को मिल जाए। और यही लोकतंत्र आज खतरे में है। इसका कारण हमें जो महसूस हो रहा है कि हमें ना कोई बोलने की उपलब्धि है, ना हम पार्लियामेंट के संसद के अंदर बोल सकते हैं, ना बाहर बोल सकते हैं। अगर कुछ भी बोला तो हमें बहुत ही बेतहाशा, जिस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमें प्रताड़ित किया जाता है। और इसलिए ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो चाहिए बेसिकली प्रेस का अधिकार नहीं है। सभी को जकड़ लिया है, सभी एजेंसीज को जकड़ लिया है। तो मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा खतरा है और हम धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ से हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल वो बौखला गए हैं, उनको ये लगा ही नहीं था कि लोग इतने, जिस तरह से राहुल जी को पहले तो बड़ी 3700 किलोमीटर की पद यात्रा हुई भारत जोड़ो, जिसमें उन्होंने सबको, लोगों को जोड़ने का काम किया, लाखों लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को गले लगाते वो चलते गए। और लास्ट में जब उनका भाषण हुआ, उस भाषण में उन्होंने बोला, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मैं चल रहा हूँ। और यही दुकान खोलने का काम उन्होंने जगह जगह किया, उसका एक खौफ है। दूसरी बात यह है कि राहुल जी जिस तरह से निडर होके जो मुद्दा उन्होंने उठाया, अडानी का, जो अडानी का मुद्दा बहुत ही सभी लोगों को, समाज के निम्न लिखित लोग हो या समाज की जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सभी लोगों के पैसे LIC में लगे हैं, SBI में लगे हैं, सब कुछ, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, हमारे सुरक्षा व्यवस्था हो, सभी के कॉन्टैक्ट एक मेवा अडानी को दिए गए हैं, जिसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है, वो आवाज़ राहुल गांधी ने उठाई है। और जैसे मैं एक छोटी बात कहूँ तो आपको समझ में आएगा कि जैसे पुराने हम कहानी सुनते थे, राक्षस रहता था और राक्षस की जान तोते में थी, वैसे इस सरकार की और मोदी की जान वो अडानी में है। और इसलिए अडानी के लिए वो बौखला गए। क्या ललित मोदी OBC है? क्या नीरव मोदी OBC है? अगर, और जिसने इसके खिलाफ, पूर्णेश पटेल, पूर्णेश मोदी जिसने ये कंप्लेंट किया है, वो भी उच्च जाति का है, वो खुद को OBC समझता नहीं है, तो OBC का नाम लेके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दे जस्ट वांट टू डाइवर्ट द इशू, डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं और डाइवर्ट करके लोगों को अडानी से ध्यान भटकाने की ये बहुत ही कोशिश हो रही है। लेकिन ये कोशिश में वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, उनको यश नहीं मिलेगा। बहुत ही फर्क लग रहा है। एक तो अगर आप उनके चेहरे की तरफ भी देखेंगे, कोई भी व्यक्ति, तो मैंने तो हमेशा उनको बोला है कि जो बोलते हैं वो, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है और तपस्वी की तरह वो निखर गए हैं। दूसरी बात, अंदर से भी सबको समझाने की, सबको सब समझ लाने की पहले से भी वो उनकी आदत थी, लेकिन अब ज़्यादा मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एम्पथेटिक भी हो रहे हैं सबके तरफ और सबको सुन रहे हैं। हजारों लोग जिन्होंने ये लड़ाई में उनका साथ दिया भारत जोड़ो में, तो वो लोगों का आत्मबल उनके साथ है, तो उनको लगता है कि मैं लड़ सकता हूँ, अकेले लड़ सकता हूँ। उनको ना कोई संसद की आवश्यकता है, ना कोई घर की आवश्यकता है, सब हिंदुस्तान की जनता उनके साथ में, उसके लिए वो आत्मभान और आत्मतेज उनके ऊपर आया है। बिल्कुल, क्योंकि उनको लगा ही नहीं था। पहले उन्होंने राहुल जी के शर्ट पे बवाल खड़ा कर दिया, बोला कि 4000 रुपये का शर्ट डालते हैं, 40000 रुपये का शर्ट डालते हैं, मुझे मालूम नहीं क्या कीमत होती है उसकी, लेकिन वो इम्पोर्टेड शर्ट डालते हैं। उसके ऊपर निराकरण हो गया तो उन्होंने बोला कि दूसरे कोई ना कोई बहाना बना के इस यात्रा को डिफ्यूज करने की कोशिश की। फिर बाद में हमेशा कोई भी कुछ भी होता है तो उन्होंने यात्रा को, जब उन्होंने स्वेटर नहीं डाला, उसके ऊपर भी सवाल पैदा किए गए कि ये राहुल जी चल कैसे सकते हैं। तो उनको राहुल जी के हर तरफ से प्रॉब्लम लगती है। इसका कारण यह है कि उनको खतरा लगता है कि राहुल जी एक ही ऐसा व्यक्ति है कि जो इन लोगों को पूरा हरा सकता है। उन, जैसे आपको अगर याद होगा, मैं तुलना नहीं करना चाहती, लेकिन महात्मा गांधी जब आए थे साउथ अफ्रीका से तो सूट वूट में थे, और जब वो चले गए पूरे देश देखने के लिए, थर्ड क्लास के गोपाल कृष्ण गोखले के कहने से, वो थर्ड क्लास के रेलवे के डिब्बे में बैठ के उन्होंने पूरा देश को परखा, देखा, परीक्षा ली, और उनको पता चला ये देश क्या है। राहुल जी को पूरा देश का भी पता चला है, और मुझे लगता है ये हमारे लिए, ये मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मेरे लिए तो ये दूसरे गांधी हमारे लिए है, इस पार्टी के लिए।